इंडियन स्टडी यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। ये दोनों जो हैं ये इकोलॉजी यूनिट जो है आपकी उससे हैं ये। नाउ स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, आपने टर्म पढ़ी होगी अपनी एनसीईआरटी की बुक में। स्टैंडिंग क्रॉप इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि कितना बायोमास लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कितना बायोमास इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उस टाइम। एक इकोसिस्टम में जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें कितना लिविंग मास, बायोमास मतलब लिविंग मास, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे छोटे इंसेक्ट हो, वो कितना प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट का पहला पॉइंट है कि स्टैंडिंग क्रॉप इज़ द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग स्टेट इज़ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फाउंड इन एन इकोसिस्टम। मतलब कि आपका जो स्टैंडिंग स्टेट है वो क्या है, कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यहाँ पे बायोमास या फिर लिविंग मटेरियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिएंट की, कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपका इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, वो होता है आपका स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, आपका जो स्टैंडिंग क्रॉप था उसमें बायोमास की बात हो रही थी, लिविंग मटेरियल की। स्टैंडिंग स्टेट में बात हो रही है किसकी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लाइव नहीं है। सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द एंटायर लिविंग मैटर। अगर मैं स्टैंडिंग क्रॉप की बात करूँ तो वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना लिविंग मैटर है, मतलब जो जिंदा है, जो जीव जंतु हैं कितना है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट किसका, नॉन लिविंग मैटर का, क्योंकि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये नॉन लिविंग मैटर हैं, तो इसलिए स्टैंडिंग स्टेट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग मैटर। उसके बाद थर्ड पार्ट है, देयर इज़ नो सर्कुलेशन। स्टैंडिंग क्रॉप में कोई सर्कुलेशन नहीं होता है, जो लिविंग मटेरियल है जो बायोमास है वो है, ठीक है, उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टैंडिंग स्टेट की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इट सर्कुलेट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। किसकी बात हो रही है, ये स्टैंडिंग स्टेट की। तो अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में सर्कुलेट होते हैं, तो इसलिए उसने बोला है कि ये क्या है, इट सर्कुलेट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स और मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको डिफरेंसेस के बीच में या फिर 12th और 11th में कोई टॉपिक पे डिफरेंस की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और 11th 12th की एनसीईआरटी की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे 11th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।